हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से लॉज ऑफ लर्निंग दिए हैं और उनके क्या एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि टीचिंग एग्जाम्स में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने प्रोपेगेट की थी। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे? विलियम वुंड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन से होती है, इसलिए इस थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ये जो कनेक्शंस बनते हैं, इन्हें सिंबल्स एस आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि स्टिमुलस क्या है। तो कोई भी फिजिकल इवेंट या कंडीशन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटी को ट्रिगर करे कि हम कोई रिस्पॉन्स दें, कुछ रिएक्ट करें, स्टिमुलस कहलाता है। जैसे कि अचानक से तेज आवाज का आना या फिर लाइट का चमकना एट्सेट्रा। और उस स्टिमुलस के रिएक्शन में हम जो बिहेवियर शो करते हैं वो रिस्पॉन्स या अनुक्रिया कहलाती है। जैसे कि अगर आपका हाथ एक गर्म बर्तन से टच हो जाए तो आप क्या करेंगे? जल्दी से अपना हाथ हटाएंगे ताकि वो जल ना जाए। तो यहाँ पर गर्म बर्तन स्टिमुलस या उद्दीपक हो गया और हाथ हटाना रिस्पॉन्स या अनुक्रिया हो गई। तो यहाँ पर इनके कनेक्शन से क्या लर्निंग हुई कि अगर हमने गर्म बर्तन को छुआ तो हमारा हाथ जल जाएगा। इन कनेक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए एक और भी वर्ड यूज किया जाता है जो है बॉन्ड। इसलिए इसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से इस थ्योरी के कई नाम हैं। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि रैट्स, चिकन्स एंड कैट्स पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर इन्होंने लॉज ऑफ लर्निंग भी दिए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने एक बिल्ली को काफ़ी टाइम तक भूखा रखा और उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। थॉर्नडाइक के इस बॉक्स को पजल बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इस बॉक्स में सिर्फ एक ही डोर था जिसे खोलने के लिए एक लेवर लगा हुआ था। इस लेवर को प्रेस करके ही इस बॉक्स को खोला जा सकता था। बॉक्स के बाहर थोड़ी दूर पर एक मछली रख दी गई। बिल्ली बहुत भूखी थी। मछली की खुशबू से वो बेचैन हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बॉक्स से बाहर निकले और जल्दी से इस मछली को खा ले। इस बेचैनी में वो बाहर निकलने के लिए इधर उधर हाथ मारने लगी और कोशिशें करने लगी कि वो किसी तरह से उस पजल बॉक्स की सलाखों से बाहर निकल के उस मछली तक पहुँच जाए। ऐसा करने में गलती से उसका हाथ लेवर पर पड़ गया और डोर खुल गया। बिल्ली बाहर निकल आई और उसने मछली खा ली। दोबारा फिर उसे पजल बॉक्स में रखा गया। अब फिर उसने डोर खोलने के लिए हाथ पैर मारे और फिर अचानक उसका हाथ लेवर पर पड़ गया और डोर खुल गया और फिर से बिल्ली ने मछली खा ली। ऐसे ही फिर उसे पजल बॉक्स में रखा गया। अब की बार उसे लेवर खोलने में पहले से कम कोशिश करनी पड़ी। कम ट्रायल्स में ही उसने लेवर प्रेस कर लिया और बाहर निकल आई। तो जब कई बार बिल्ली को पजल बॉक्स में रखा गया तो उसे समझ आ गया कि कैसे इस लेवर को प्रेस करके डोर खुलता है। तो इससे पता चलता है कि कैसे बिल्ली ने कई ट्रायल्स लिए डोर खोलना सीखने के लिए, उसमें शुरू में उसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, एरर्स हुई और फिर धीरे धीरे एरर्स कम होती चली गई और लास्ट में वो विदाउट एरर डोर खोलना सीख गई। इसलिए इस थ्योरी का एक नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी।
तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि लर्निंग के प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हैं ड्राइव, गोल, ब्लॉक इन अचीविंग गोल, रैंडम मूवमेंट्स, चांस सक्सेस, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स एंड फिक्सेशन, यानी 7 चीज़ें हैं। तो थॉर्नडाइक ने बताया कि पहले तो ड्राइव होनी चाहिए या कोई मोटिव होना चाहिए कि एक पर्सन या कोई ऑर्गेनिज्म कोई भी काम करने की या सीखने की कोशिश करे। इस केस में ड्राइव क्या थी? भूख का लगना। बिल्ली को बहुत तेज़ भूख लग रही थी जो कि खाना देखकर और ज़्यादा बढ़ गई, और इस भूख ने बिल्ली के अंदर ड्राइव पैदा की कि वो कोशिश करे कि वो पजल बॉक्स से किसी भी तरह से बाहर आ सके। सेकंड है गोल या लक्ष्य। यहाँ पर बिल्ली के लिए क्या गोल था? उसका गोल था कि वो जल्दी से बॉक्स से बाहर आकर फिश खा ले। थर्ड है ब्लॉक इन अचीविंग गोल। तो जब पर्सन के सामने कोई मुश्किल आती है गोल को अचीव करने में, तब वो हर तरह से कोशिश करता है उसे अचीव करने की। इस केस में बिल्ली का बॉक्स में बंद होना और उससे बाहर ना आ पाना उसके लिए गोल अचीव करने में ब्लॉक था, बांधा था। फोर्थ है रैंडम मूवमेंट्स। शुरू में पर्सन को पता नहीं होता है कि गोल को अचीव करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तो वो ऐसे ही हाथ पैर मारता है, रैंडम मूवमेंट्स करता है, जैसे कि बिल्ली ने इस एक्सपेरिमेंट में बॉक्स से बाहर आने के लिए किए थे। फिफ्थ है चांस सक्सेस। रैंडम मूवमेंट्स करते करते पर्सन को बाय चांस सक्सेस मिल जाती है और उसकी कोशिश सफल हो जाती है, जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में बाय चांस बिल्ली का हाथ लेवर पर पड़ गया और डोर खुल गया, यानी उसे डोर खोलने में सक्सेस मिल गई। सिक्स्थ है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट्स। तो अब सक्सेस मिलने पर पर्सन को क्लियर हो जाता है कि कौन सा मूवमेंट सही है, और अब वो सिर्फ सही मूवमेंट ही सिलेक्ट करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जैसे बिल्ली ने किया। सेवेंथ है फिक्सेशन। तो अब तमाम गलत ट्रायल्स लेने के बाद बिल्ली सीख जाती है कि सही मूवमेंट क्या है, और अब फिक्सेशन हो जाता है। वो बिना किसी गलत ट्रायल के एक बार में ही बॉक्स खोलना सीख जाती है। थॉर्नडाइक ने इस एक्सपेरिमेंट में बिल्ली के बॉक्स को खोलना सीखने के प्रोसेस को ट्रायल एंड एरर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि सीखने में हम लगातार कोशिश करते हुए अपनी भूलों और गलतियों को कम करते जाते हैं, और इस तरह से गलत रिस्पॉन्सेस की जगह पर हम सही रिस्पॉन्सेस को एक्सप्रेस करना सीख जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इसे लर्निंग बाय सिलेक्टिंग एंड कनेक्टिंग का भी नाम दिया, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल के पास मौका होता है कि वो सही रिस्पॉन्सेस को चूज़ करे और उन्हें स्टिमुलस के साथ कनेक्ट करे या एसोसिएट करे। उन्होंने कहा कि लर्निंग इज कनेक्टिंग एंड द माइंड इज मैंस कनेक्टिंग सिस्टम, मीन्स हमारे माइंड में स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच कनेक्शन बनता है जिससे कि लर्निंग होती है। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर थॉर्नडाइक ने कुछ लॉज दिए जिन्हें प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज में क्लासीफाई किया गया है। तो इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं। प्राइमरी लॉज हैं द लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम, द लॉ ऑफ इफेक्ट या प्रभाव का नियम, एंड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम। द लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम कहता है कि लर्निंग तभी पॉसिबल है जबकि लर्नर उस चीज़ को लर्न करने के लिए या सीखने के लिए तैयार हो जो उसे सीखना है। मीन्स ये लॉ कहता है कि अगर कोई मेंटली या फिजिकली हर तरह से प्रिपेयर्ड है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसके दिल में ख्वाहिश है कि वो उस चीज़ को लर्न कर ले, तो वो उस चीज़ को आसानी से सीख जाएगा। और अगर वो तैयार नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो फिर अच्छे से अच्छा टीचर भी उसे कुछ नहीं सिखा सकता।
जैसे कि एक घोड़े को आप पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसी तरह से आप बच्चे को पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन वो उसमें इंटरेस्ट ले और पढ़कर कुछ सीखे भी, ये करवा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये लॉ हमें सजेस्ट करता है कि हम जब भी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं या कुछ भी सिखाने जा रहे हों, तो पहले हम उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करें और उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि वो उस चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेटेड हों। और दूसरी तरफ ये लॉ ये भी बताता है कि अगर बच्चा किसी काम को किसी स्पेसिफिक टाइम पर करना या सीखना चाहता है, तो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यानी उसे उस टाइम पर फौरन कोशिश करनी चाहिए कि आप सिखा सकें वो चीज़। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस लर्निंग के प्रोसेस में इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन की इम्पॉर्टेंस पर जोर देता है। सेकेंड लॉ है द लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये लॉ ये बताता है कि अगर किसी सिचुएशन और रिस्पॉन्स के बीच में मॉडिफाइबल कनेक्शन बनता है, जिससे कि पर्सन को सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, तो उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन अगर इस सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स के कनेक्शन के बाद परेशान करने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो इस कनेक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि कुछ सीखने के बाद अगर बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे अच्छा महसूस होता है, तो उस वक्त लर्निंग का प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। और अगर इसका ऑपोजिट हो, यानी सीखने के बाद सेटिस्फैक्शन ना मिले बल्कि तकलीफ या दुख की फीलिंग हो, तब सीखने के प्रोसेस में रुकावट आ जाती है। क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस को, अपनी सक्सेस को हमेशा याद रखने की कोशिश करते हैं और अपनी तकलीफ़ों को और अपने फेलियर्स को भूल जाना चाहते हैं। इसलिए लर्निंग के प्रोसेस से हमें सेटिस्फैक्शन मिला या डिससेटिस्फैक्शन मिला, खुशी मिलती है या गम मिलता है, इसके ऊपर लर्निंग प्रोसेस का सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक का ये लॉ लर्निंग के प्रोसेस में रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की इम्पॉर्टेंस पर जोर देता है। बच्चा सीख जाए तो अगर उसे कोई रिवॉर्ड दिया जाए या उसकी तारीफ की जाए, तो वो आगे और ज़्यादा सीखने के लिए मोटिवेट होता है, जबकि किसी भी तरह का पनिशमेंट और डर उसे आगे सीखने के लिए ना ही सिर्फ डीमोटिवेट करता है, बल्कि वो डिसइंटरेस्टेड हो जाता है उस काम को सीखने के लिए। थर्ड लॉ है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ के अंदर दो लॉज आते हैं, एक लॉ है लॉ ऑफ यूज एंड दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज बताता है कि हम किसी भी चीज़ को जितना यूज करते हैं या किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसे दोहराते रहते हैं, तो उससे सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स के बीच जो बॉन्ड बनता है वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे लर्निंग बेहतर होती है। और लॉ ऑफ डिसयूज बताता है कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, उसे दोहराते नहीं हैं, तो फिर सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स के बीच बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है और हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। 1930 के बाद थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट को रिवाइज किया। उन्होंने एक आदमी की आंखों पर पट्टी बांध दी और उससे कहा कि 3 इंच लंबी लाइन ड्रॉ करो। उन्होंने देखा कि बार बार रिपीट करने के बाद भी उस आदमी की परफॉर्मेंस में कोई चेंज या इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ। तो इससे उन्होंने नतीजा निकाला कि अगर कोई पर्सन प्रैक्टिस तो कर रहा है, पर जो वो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके लिए अगर उसे कोई रिवॉर्ड या इनाम नहीं मिल रहा है, तो उस प्रैक्टिस का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। और लॉ ऑफ इफेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मींस इनाम और दंड, दोनों का इफेक्ट या प्रभाव बराबर नहीं होता है। जो रिवॉर्ड्स हैं वो बेशक स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बॉन्ड को मजबूत करते हैं, जिससे कि लर्निंग बेटर होती है, लेकिन अगर हम
किसी अनचाहे रिस्पॉन्स के बदले पनिशमेंट या दंड दें तो उतनी ही डिग्री से या उतने ही स्तर से कनेक्शन वीक नहीं होगा। तो लर्निंग में रिवॉर्ड जितनी तेजी से काम करता है पनिशमेंट नहीं करता है। इसलिए उन्होंने पनिशमेंट और ब्लेम के मुकाबले में रिवॉर्ड एंड प्रेस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है लर्निंग के प्रोसेस में। तो ये तो प्राइमरी लॉज थे। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी लॉज भी हैं, जो हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो लॉ ऑफ प्राइमेसी बताता है कि किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन या जानकारी जो शुरू में दी जाती है वो अक्सर बाद में दी हुई जानकारी से ज़्यादा याद रहती है। जैसे कि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, मीन्स हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो उसका अच्छा या बुरा जो भी पहला इम्प्रेशन हम पर पड़ता है वो हमें हमेशा याद रहता है। अगर बुरा इम्प्रेशन पड़ा तो उसकी इमेज अपने माइंड में दोबारा अच्छी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो चीज़ हम पहले देखते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। इसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनकी शुरुआत की चीज़ें तो याद रहती हैं और उसके बाद का सारा पार्ट भूल जाते हैं, है ना? होता है ना ऐसा कि शुरू का तो याद रहता है पर बाद वाला याद ही नहीं रहता। इसी को प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं। इसलिए टीचर्स को शुरू में लर्निंग मटेरियल स्टूडेंट्स के सामने स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट करना चाहिए। सेकंड है लॉ ऑफ रीसेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो हमने अभी रिसेंटली लर्न किया है वो तो हमें याद रहता है पर जो हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था वो हम भूल जाते हैं। इसलिए हम चीज़ों को दोहराते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें एग्जाम्स में टॉपिक के लास्ट की चीज़ें तो याद रहती हैं पर शुरू की चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो ये है लॉ ऑफ रीसेंसी। इसीलिए एग्जाम्स में स्टूडेंट्स एग्जाम से जस्ट पहले जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स पर नज़र डालकर जाते हैं ताकि नॉलेज उनकी रिफ्रेश हो जाए और एग्ज़ाम देते टाइम उन्हें रिसेंटली पढ़ा हुआ मैटर याद आ जाए। हम भी यही करते थे जब हम एग्ज़ाम देते थे। तो नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टिमुलस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा रिस्पॉन्स भी उतना ही स्ट्रांग होगा और इस वजह से लर्निंग फास्ट होगी और बेटर होगी। अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी या तीव्रता कम है तो लर्निंग भी स्लो होगी। टीचर्स कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए विजुअल एड्स जैसे कि कलरफुल डायग्राम्स, चार्ट्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस एट्सेट्रा को यूज़ कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का अटेंशन ग्रैब कर सकें और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किसी पर्सन को जब एक रिस्पॉन्स के बाद सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो फिर दूसरा रिस्पॉन्स देता है और अगर तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो वो तीसरी तरह का रिस्पॉन्स देता है और तब तक रिस्पॉन्स देता रहता है जब तक कि उसे सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे को टॉय चाहिए तो वो अपने फादर से हैप्पी फेस बनाकर रिक्वेस्ट करता है कि उसे टॉय दिलवा दें। अगर फादर टॉय नहीं दिलवाएंगे तो वो क्या करेगा? अब वो सैड फेस बनाकर रिक्वेस्ट करेगा कि उसे टॉय दिलवा दें। अब अगर अभी भी उसके फादर उसे टॉय नहीं दिलवाएंगे तो फिर वो रोना पीटना मचा देगा और अगर अब रोने से काम बन गया, उसे टॉय मिल गया, तो वो समझ जाएगा कि भाई यहाँ तो ये वाली ट्रिक काम आ गई, अब नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ चाहिए तो रोकर मांग लिया जाएगा तभी मिलेगी। तो इस तरह से ये लॉ बताता है कि एक पर्सन किसी भी काम को करने के लिए मल्टीपल रिस्पॉन्सेस करता है, जैसे कि थॉर्नडाइक की कैट ने पजल बॉक्स से बाहर आने के लिए किए थे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मेंटल सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड। ये लॉ बताता है कि पर्सन के मेंटल सेट पर डिपेंड करता है कि लर्निंग होगी या नहीं।
अगर किसी पर्सन का किसी चीज़ को सीखने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, यानी सकारात्मक अभिवृत्ति है, तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख लेगा और अच्छे से सीख लेगा। लेकिन अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है तो फिर लर्निंग बेकार एंड स्लो होगी। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो सकता है कि वाओ, इस काम को करने में कितना मज़ा आ रहा है, या इसे सीखकर कितना फ़ायदा होगा मुझे। तो अगर वो इस एटीट्यूड के साथ किसी चीज़ को सीखेगा या करेगा तो लर्निंग बेटर होगी। और अगर वो पहले से ही ये सोच कर चलेगा कि कितना बोरिंग है इसे करना, या इसको सीखने का क्या फ़ायदा, इससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, तो फिर उस चीज़ को वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी का मतलब होता है दो चीज़ों में कितनी सिमिलैरिटी है या समरूपता है, इसके बेसिस पर उन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लोग किसी भी न्यू सिचुएशन में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। मीन्स अगर वैसी ही सिचुएशन पहले कभी आई थी उनके सामने, तो उस वक्त जो उनका एक्सपीरियंस रहा था उसी के बेसिस पर वो न्यू सिचुएशन में भी रिस्पॉन्ड करते हैं। जब लर्नर को चीज़ों में अपने रोज़ के एक्सपीरियंसेस से सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज नज़र आती हैं, तो वो उन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाता है। इसलिए टीचर्स को सभी टॉपिक्स को लर्नर्स के लाइफ एक्सपीरियंसेस से कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर लर्नर कुछ रिस्पॉन्स देने के लिए केपेबल है, तो हम किसी नई चीज़ को उस स्टिमुलस के साथ एसोसिएट करके उस रिस्पॉन्स को न्यू स्टिमुलस के लिए भी करवा सकते हैं। इसके लिए थॉर्नडाइक ने कैट को स्टैंड अप कहने पर खड़ा होना सिखाया। वो कैसे? कैट को भूख लगी थी। इस बार उन्होंने फिश को प्लेट में नहीं रखा, बल्कि उसके सामने ऊपर करके हिलाया और साथ में कहा, स्टैंड अप। ऑब्वियसली फिश ऊपर थी, तो कैट को खड़ा होना पड़ा फिश लेने के लिए। अब जब कई दिन तक उन्होंने स्टैंड अप कह के फिश को हवा में लहराया और कैट को खड़ा होकर फिश मुंह में लेनी पड़ी, तो उसने एसोसिएट कर लिया नए स्टिमुलस स्टैंड अप के साथ खड़ा होना, जो कि रिस्पॉन्स है। अब जब उन्होंने फिश नहीं भी दिखाई, तो भी जब उन्होंने कहा स्टैंड अप, तो कैट खड़ी हो गई, यानी उसने स्टैंड अप पर खड़ा होना सीख लिया। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, लोग चीज़ों को या किसी सिचुएशन को एज अ होल देखते हैं, यानी इन टोटैलिटी या संपूर्ण रूप में देखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लोग चीज़ों को एज अ होल नहीं देखते हैं, बल्कि पार्ट्स में परसीव करते हैं या देखते हैं, और वो हर पार्ट को सेपरेटली देखकर किसी पर्टिकुलर पार्ट पर ट्रायल एंड एरर करते हुए रिस्पॉन्ड करके सीखते हैं। यानी प्रॉब्लम की डेप्थ में नहीं जाते हैं, बल्कि उनके मेन एलिमेंट्स को, खास तत्वों को पहचान कर उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इसलिए टीचिंग पार्ट्स में करनी चाहिए। मीन्स बच्चों के सामने सब्जेक्ट मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रेजेंट करना चाहिए। तो हमने देखा कि थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं, जो हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज 2 लॉज पर बेस्ड है, जो हैं लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। और कुछ सेकेंडरी लॉज दिए हैं उन्होंने, जो हैं लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रीसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट और लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो अब देख लेते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस या शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं।
मींस एजुकेशन के फील्ड में इस थ्योरी की और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज दिए हैं थॉर्नडाइक ने, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसकी एजुकेशन के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंस है। थॉर्नडाइक ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स पर, उनके बेसिस पर उन्होंने बताया कि ना ही सिर्फ एनिमल्स बल्कि ह्यूमंस भी लर्निंग में ट्रायल एंड एरर के थ्रू ही सीखते हैं। एक बच्चे को अगर हम कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो उसको सॉल्व करने के लिए जितनी भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको ट्राई करता है, तब जाकर वो किसी नतीजे पर पहुँचता है। बल्कि जो नई नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं और नए नए इन्वेंशंस होते हैं, वो सब ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस का ही रिजल्ट है। लेकिन इस बात को भी ज़्यादा इनकरेज नहीं करना चाहिए कि बच्चा बिना कुछ सोचे समझे बूझे सिर्फ ट्रायल एंड एरर्स ही करता रहे, क्योंकि ट्रायल एंड प्रैक्टिस को जब सूझबूझ के साथ किया जाए तभी लर्निंग इफेक्टिव होगी। जहाँ तक थॉर्नडाइक के दिए हुए लॉस का सवाल है, तो वो तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है टीचिंग एंड लर्निंग के फील्ड में। जैसे कि टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में टीचर का मेन काम होता है कि वो ये देखे कि स्टूडेंट्स को कौन सी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है और कौन सी नहीं। इसके बाद जिन चीज़ों को वो चाहता है कि बच्चों को याद रहें, उनके लिए उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो रिपीटिशन और ड्रिलिंग के थ्रू और रिवॉर्ड्स देकर उनके स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बॉन्ड को मजबूत करने की कोशिश करें, और गलत चीज़ों को भुलाने के लिए डिसयूज़ के थ्रू स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन कम करवाने की कोशिश करनी चाहिए टीचर को। दूसरा एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका ये है कि बच्चा जब रेडी हो पढ़ने के लिए तभी उसे पढ़ाना चाहिए। तो पढ़ाने से पहले अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू या क्वेश्चनिंग के थ्रू उसका इंटरेस्ट जगाना चाहिए उस टॉपिक में जो कि पढ़ाना है, ताकि वो मोटिवेट हो उसे पढ़ने के लिए। थॉर्नडाइक ने इस बात पर भी जोर दिया कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही न्यू नॉलेज गेन करते हैं, इसलिए टीचर्स को बच्चों के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से कोरिलेट करके न्यू नॉलेज इम्पार्ट करनी चाहिए। उसे बच्चों को इस बात के लिए भी इनकरेज करना चाहिए कि वो किसी स्टिमुलस के लिए दिए हुए अलग अलग तरह के रिस्पॉन्सेज में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज़ को भी पहचान सकें, और फिर वो उन्हें कंपेयर करके और कंट्रास्ट करके एक सिचुएशन में सीखी हुई चीज़ को दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई कर पाएँ। इन लॉस के अकॉर्डिंग बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो कोई भी काम खुद से करके सीखें, और उन्हें किसी सही नतीजे पर पहुंचने से पहले बहुत सारे सॉल्यूशंस ट्राई करने चाहिए। मगर टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करके बच्चा अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करे। उसे बच्चों को बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करके बिना कुछ सोचे समझे और बिना अपने पास एक्सपीरियंसेस को यूज़ किए हुए ब्लाइंडली आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी ने और लॉज ऑफ लर्निंग ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है एजुकेशन के फील्ड में। उन्होंने लर्निंग को गोल डायरेक्टेड बनाया और बताया कि मोटिवेशन का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है लर्निंग में। इस थ्योरी ने एंड लॉज ने वर्क एंड प्रैक्टिस की, ड्रिल एंड रिपीटिशन की और रिवॉर्ड्स एंड प्रेज की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ये समझाया है। तो आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो या तो मोस्टली प्यूपल टीचर्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे। तो अब आगे से इन लॉस को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने लेसन की एक्टिविटीज़ प्लान करिएगा, ताकि लर्निंग आउटकम बेटर हो और आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। तो आई होप कि आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी और इससे रिलेटेड लॉस समझ में आ गए होंगे। अब हम आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनका आंसर्स देकर सेल्फ असेसमेंट करना होगा, क्योंकि हम तो आपके आंसर्स सुन नहीं पाएंगे। हम आपको इसके लिए 5 सेकंड्स का टाइम देंगे, ठीक है, और फिर आपको आंसर बता देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु
advocated the trial and error theory of learning. And the options are Kohler, Thorndike, Pavlov and Ross. Your time starts now. And the answer is Thorndike. Second question hai, according to Thorndike, how many stages are present in the learning process? And the options are A 3, B 5, C 6 and D 7. And the answer is 7 stages. Third question hai, which of the following is the first stage in the learning process? The options are drive, goal, hurdle and random movement. And the answer is drive. Next question hai, primary and secondary laws of learning are given by whom? Options are Thorndike, Pavlov, Skinner and Kohler. And the answer is Thorndike. The next question is, Thorndike's law of effect was an early form of the present day principle of A. Trial and error, B. Reinforcement, C. Extinction and D. Contiguity. And the answer is reinforcement. तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि थॉर्नडाइक ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कौन से प्राइमरी लॉज दिए थे, कौन से सेकेंडरी लॉज दिए थे और इस थ्योरी का और ये जो लॉज दिए उन्होंने इसके एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस क्या हैं और फिर लास्ट में हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे. तो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये थ्योरी और इससे रिलेटेड लॉज अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू इट येट. और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.